आ कौन मारा है कौन? दोस्तों ये देखिए प्रेम बाबू मस्त एकदम झालर लगा दिए यहाँ पे, देखिए आप लोग दिखा दे बाहर से तो पूरा एकदम लाइट लगा, देखिए प्रेम बाबू वहाँ पे खड़े भी हैं। हे गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। भाई शाम हो चुका है वैसे, और भाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अभी अपना वीडियो जो है वो पब्लिश कर रहे हैं शाम के 5 बजे। आज काफी ज्यादा लेट हो गया है वीडियो छोड़ने में। इधर लाडो देखो पता नहीं कहाँ रो रही है, कहाँ रो रही हो लाडो, क्या चाहिए? आ कौन मारा है कौन? कौन मारा? हम मारे हैं झूठी। इसकी आंख में देखे कितना आंसू है। ऐसे झूठ झूठ रोने लगती है, बोल देता है, इतना रोती है ना। इसका नाम फूल कुमारी रख दिया जाए। नहीं फूल जा रही है, एकदम झड़ झड़ जाती है। तो दोस्तों शाम हो गया है, प्रेम बाबू सुबह से घूमने चले गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, उनसे ही दिखाते हैं। तो देखिए अभी को खाना खा रहा है जस्ट, शाम का लगभग 5:30 हो रहा है। कहाँ गए थे? आज 22 जनवरी है ना, इसीलिए गए थे राम, मतलब वो होता है ना रैली निकला है राम जी के नाम से, तो आज दिवाली भी है, हैप्पी दिवाली आप लोग को। दोस्तों ये देखिए खाना खा रहे हैं अभी को, शाम को ठंडा नहीं लग रहा था आपको? बिना हुड्डी का गए थे आप? गए थे हुड्डी पहन कर गए थे। तो दोस्तों ये आए अभी को खाना खा रहे हैं 5:30 बजे शाम को। अभी देखिए धनु को, धनु मस्त मलंग से एकदम सो रही है, कैसी एकदम प्यारी सी परी लगती है धनु। धनु अरे बेटू देखिए कैसे सो रही है, अपना हाथ ऐसे करके सोई है, कोयले का भोगे मत। बाकी दोस्तों हो गया शाम, तो अभी हम खाना बना रहे थे किचन में, तो ऐसे ही लाडो के पास रो रही थी तो चले गए हैं। यहाँ पे देखिए तेल में अभी गोभी हमारा फ्राई हो रहा है, बाकी इधर अभी आटा गूंथने जा रहे हैं, बाकी प्याज व्याज मर्चा वर्चा इसमें जीरा है। आज बनाएंगे खीर पूरी सब्जी, क्योंकि आज 22 जनवरी है, मम्मी बोली है फ़ोन करके खीर पूरी सब्जी बना लेना, तो वही दोस्तों आज बना रहे हैं खीर पूरी सब्जी। बाकी इधर देखिए दोस्तों आलू वलू है, तो चलना अभी आटा गूंथने। तो दोस्तों हमारा गोभी फ्राई होकर निकल चुका है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर हमारा प्याज व्याज भून रहा है, तो अभी चल रहे हैं आटा लगाने। उसके बाद आज मस्त गोभी आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाएंगे, मसालेदार सब्जी बनाएंगे, और पूरी के साथ अच्छा लगता है, काफ़ी मसाला वाला सब्जी अच्छा लगता है। अगर कुछ भुजिया बनाओ तो अच्छा नहीं लगेगा जितना मसाला वाला सब्जी अच्छा लगता है पूरी के साथ खास करके। दोस्तों अभी वही बना रहे हैं अभी हम, क्योंकि दादी है ना, तो दादी थोड़ा जल्दी खाना खाती हैं, तो थोड़ा सा हमको जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि गाँव रहती हैं तो उनको आदत हो गया जल्दी खाना खाने के लिए, तो हमको जल्दी बनाना पड़ता है खाना। दोस्तों लाडू पता नहीं क्या हाथ में लगा लिए, चेहरे पर भी लगा लिए पूरा काला काला, काजल लगा ली है। तो दोस्तों देखिए टिशू पेपर ले लिए हैं, और इसी से चल रहा है अभी इसको पोछने, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही है, कह रही है पोछने के लिए इसको दो। दोस्तों इसका हाथ जब तक नहीं पोछेंगे तब तक रोती रहेगी, इससे कहीं इससे अच्छा जल्दी से पोछ ही देते हैं, नहीं तो बहुत रोती है, कुछ लग जाएगा हाथ में, कहेगी मम्मी मम्मी ऐसे करके दिखाती है एकदम। लाडो को देखिए हाथ पूरा साफ कर दिया, लाडो दिखाओ, देखिए इसके मुंह भी साफ कर दिए, बाकी टिशू पेपर निकाल के अब इसको बदमाशी करेगी ये। दोस्तों देखिए प्रेम बाबू जा रहे हैं दूध लाने, कंटी ली है हाथ में, दूध लाएंगे तो ही ना लाडो पिएगी। लाडो पियोगी दूध? लो लाडो चलो दूध लाने, अब 2-3 किलो अपने हाथ से आराम से उठा लेती है लाडो। दोस्तों ये देखिए क्या करे, दूध लाने जाओगी लाडो कंटी लेके। हम सब्जी उब्जी बना चुके हैं, यहाँ पे देखिए हमारा मस्त आलू गोभी की सब्जी तैयार है, आटा भी लगा चुके हैं, और यहाँ हमारा खीर बन रहा है। अभी चल रहे हैं ऊपर, प्रेम बाबू मनीषा बहनी ऊपर मिलके झालर टांग रहे हैं। लो दोस्तों आ गए ऊपर, कहाँ प्रेम बाबू हैं? दोस्तों ये देखिए सारा झालर टांग दिए लो, ये आप लोग दिखा दे, ये पूरा झालर टंगा गया है सब हम लोग द्वार पर। तो ये देखिए प्रेम बाबू मनीषा बहनी मिल के झालर टांग रहे थे लो, हम नीचे देख रहे हैं, नीचे नहीं थे लो तो यहाँ पर है, क्या हो रहा है यहाँ पे टांग रहे हैं लो। तो दोस्तों ये देखिए झालर है, ये अभी चले गए कुछ देर में, बाकी इधर प्रेम बाबू हैं मैकेनिक वाला काम कर रहे हैं अभी। मैकेनिक वाला नहीं, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है ना, इसीलिए सोचे हैं कि आज भी दीपावली मना ले अच्छे तरीके से, तो आज दिया हुआ लाए हैं 11 ठो दिया लाए हैं, और मोमबत्ती है, और सोचे हैं झालर भी लगा दे कि और अच्छा लगेगा। दिए जलाई हैं? अभी जा रहे जलाने। हाँ प्रेम बाबू अभी बार रहे हैं, आप दिखा दीजिएगा। हाँ दोस्तों ये देखिए प्रेम बाबू मस्त एकदम झालर लगा दिए यहाँ पे, देखिए आप लोग दिखा दे बाहर से तो पूरा एकदम लाइट लगा, देखिए प्रेम बाबू वहाँ पे खड़े भी हैं, और आज है 22 जनवरी इसलिए झालर लगा दिया गया हम लोग के घर। दोस्तों अभी चल रहे हैं नीचे, चलिए बच्चों देखिए इधर प्रेम बाबू आ रहा है, इनका हाथ ठीक हो गया, अभी लग गया है प्रेम बाबू।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई अभी सुबह हो चुके हैं और आज एकदम मस्त धूप निकला है, तो मौसम भी काफी सही हुआ है वैसे। और अभी बाहर निकल के और यहीं पे हम बैठ के अपना वीडियो एडिट कर रहे थे अभी फिलहाल, क्योंकि थोड़ा बहुत हवा चल रहा था, धूप लग रहा था, काफी सही लग रहा था। और सुबह हुआ है यार, खाना वाना खाए नहीं है, ब्रश वगैरह कर लिए है, नाश्ता बस हुआ था। तो देखो खाना आ गया हमारा, खाने में देखो दाल सब्जी और रोटी और साथ में पानी। सुबह सुबह लड्डू भी एकदम रेडी हो गई है, खाने खाओगे लड्डू कैसे? आलू आलू बोल दोगे? पानी पी लो। सब भेली कपड़ा अपना, चलो अभी ओम भी रेडी हो गया है। और लाडो तो पानी पी रही थी तो अपने स्वेटर पे ही गिरा लिए पूरा, गिरा लिए यहाँ तक। और इनका हाथ ठीक हो गया, ओम ठीक हो गया। और भाई मेरा YouTube स्टूडियो का हाल थोड़ा सा बहुत अभी बेकार वाला हो गया है, क्योंकि साफ सफाई किए हुए ना मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन हो ही गए होंगे। पहले यहाँ बैकग्राउंड में आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखाई देती होंगी, फूल उल देखो अभी भी निशानी इसका है गोल गोल, तो ये मैंने हटा दिया था बैकग्राउंड से, क्योंकि जब वीडियो बनाता था ना तो सुंदर तो देखने में लगता था लेकिन ऐसे लगता था यार कि थोड़ा सा पीछे बहुत बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मेरे को सादा सादा थोड़ा सा सही लगता है, तो इसीलिए मैं हटा दिया इसको। तो अभी कुछ इस तरीके का सीन मतलब देखने में लगता है। बाकी ये कुर्सी आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं, ये न्यू कुर्सी लिया था। पहले तो भाई ये कुर्सी इस्तेमाल करता था, देखो यहाँ पे सिलाई उलाई करके टूट गया था, तो इसको अभी हटा दिया हूँ, ये वाला कुर्सी भी बैठ के इस्तेमाल करते हैं। बाकी इधर का हाल देखो कैसा है, अभी इसको सब सही करना है धीरे धीरे करके। और वहाँ पर देखो एक जुगाड़ मैंने लगा के रखा है, उधर से बहुत ज़्यादा ठंडा हवा आता है, तो क्या किया कि जो झिल्ली होता है ना थैली, उसको फाड़ के और लगा के, और जो टेप होता है वही टेप इधर से साइड साइड से लगा दिया ताकि हवा पास नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना YouTube स्टूडियो का जुगाड़ लगा के और मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी सही है वैसे। और जब भी काम हमको करना होता है तो अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो इधर कोई आता नहीं है और फर्स्ट क्लास का अपना काम चलता है। तो भाई अभी आ गए हैं कमरे में, बाहर तो मतलब थोड़ा सा धूप लग रहा था तो सही था, कमरे में वैसे ठंडा लग रहा है बहुत। और लाडो अभी तक तो जगी थी, और देखो इसका टाइम है ना 12 बजे सो जाती है, अभी सो गई है पूरा। अभी हम जस्ट लाडो को सुलाए हैं, जब बाहर थे तो बहुत परेशान कर रही थी, जब नहीं सुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा रोने लगेगी, जब रोती है तो समझ जाइए सोने वाली है, जब 12:30 बजेगा तो ये सोने वाली है, नहीं सुलाएगा तो और खूब ज़्यादा गुस्सा करेगी। तो भाई सब आ गए हैं बाहर अभी धूप में, और सुबह से ज़्यादा अभी धूप हो रहा है, चारों बगल उजाला उजाला और धूप काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।